आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप रेल टिकट को बुक करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से रेल टिकट बुक कर सकते हैं। अक्सर हमें अपने लिए फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए रेल टिकट को बुक करना पड़ता है। रेल टिकट को बुक करने के लिए या तो हम रेलवे के काउंटर पर विजिट करते हैं या फिर हम किसी एजेंट की सहायता लेते हैं। अगर हम एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट भी हमसे टिकट से ज़्यादा वैल्यू चार्ज करता है। इसके अलावा अगर हम काउंटर पर जाते हैं, काउंटर पर हमें काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है और काफ़ी समय हमारा वेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप खुद से रेल टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं। साथ ही में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रेलवे जो कोड्स का इस्तेमाल करता है वह टिकट में किस लिए यूज़ किए जाते हैं और उनका क्या मतलब होता है। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अगर आपको तत्काल टिकट की ज़रूरत है तो कैसे आप खुद से ही तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल टिकट को खुद से ही आसान तरीके से बुक करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है रेल कनेक्ट। रेल कनेक्ट क्लिक करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने IRCTC रेल कनेक्ट करके एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको अलर्ट का एक पेज आता है तो आपको यहाँ पर इसको रीड कर लेना है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में आपको नया टिकट बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी का ऑप्शन मिलता है। इसके माध्यम से आप एक नया टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है माई बुकिंग का, जहाँ पर आप बुक किए हुए सभी टिकट को यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको PNR स्टेटस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने PNR से स्टेटस को चेक कर सकते हैं, आपका टिकट वेटिंग में है या कन्फर्म है, इसके माध्यम से आप यहाँ पर जान सकते हैं। और अगर कोई भी टिकट आपको कैंसिल करना है तो आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको रिफंड लेना है तो रिफंड का स्टेटस भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिकट को बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ डिस्प्ले इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है फ्रॉम का और दूसरा ऑप्शन टू का। तो फ्रॉम में आपको जिस भी सिटी से आप ट्रेवल करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं जैसे लखनऊ से ट्रेवल करना चाहता हूँ तो लखनऊ मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और लखनऊ में जिस भी स्टेशन से आप ट्रेवल करना चाहते हैं यहाँ पर लिस्ट आपके सामने आ जाती है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद में जिस भी शहर में आप ट्रेवल करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप दो तीन अक्षर लिखेंगे ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पर सजेशन आ जाता है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको कुछ डेट्स दी गई हैं। इन डेट्स में अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कैलेंडर का, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर जिस भी डेट में ट्रेवल करना चाहते हैं आ करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलेंडर में डेट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डेट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है पहले से टिक है जिसमें लिखा हुआ फ्लेक्सी विद डेट, तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप उस डेट के अलावा कोई भी अगर डेट्स में सीट्स अवेलेबल मिलती हैं तो उस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उस डेट में सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है दिव्यांग का, तो कोई भी विकलांग व्यक्ति है वह यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर देखेंगे थर्ड ऑप्शन है जहाँ पर कनेक्टिंग जर्नी का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर इस फंक्शन का इस्तेमाल तब आप कर सकते हैं अगर उस शहर के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, आप चाहते हैं किसी भी दूसरे शहर में पहुँच करके उसके बाद में वहाँ से ट्रेन मिल जाए, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेन बुक करने के लिए आपको अब क्या करना है, सर्च ट्रेन्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ट्रेन के नेम आ जाते हैं, साथ ही में ट्रेन का जो नंबर है आपको यहाँ पर दिखाई देता है, साथ ही में जो आपका बोर्डिंग स्टेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पर उस ट्रेन का जो डिपार्चर का समय है वह भी आपको दिया गया है। और यह जो ट्रेन है वीक के कितने दिनों में अवेलेबल रहती है इसके बारे में भी आप यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम पर देख सकते हैं कि वह जो ट्रेन है वीक के सातों दिन चलती है या फिर केवल एक दिन या दो दिन चलती है, तो यहाँ पर यह डिटेल आप देख सकते हैं। और लास्ट के टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जर्नी का समय है कितने समय में आपको वह उस स्थान पर पहुँचाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
आप यहाँ पर जिस भी ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं आपको उस पर टाइप कर देना है। करने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप आता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है जो आप जर्नी करना चाहते हैं वो टिकट आप किस तरीके का बुक करना चाहते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या फिर स्लीपर क्लास का आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी क्लास का टिकट बुक करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सपोज स्लीपर क्लास का टिकट बुक करना चाहता हूँ तो मैं एसएल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डेट्स डिस्प्ले हो जाती हैं, साथ ही में उसके सामने जो ट्रेन है उस डेट में वह अवेलेबल है या नहीं है इसके बारे में आपको बताया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 24 के यहाँ पर जो ट्रेन है वो वेटिंग लिस्ट में है, आप इसमें टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर 25, 26 ये RAC में है, तो RAC का मतलब है रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो अगर कोई भी टिकट कैंसिल होते हैं तो आपको फुल सीट दी जाएगी, अदरवाइज इस टिकट को बुक करने के बाद में आपको ट्रेन में बैठने की जगह दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं स्लीपर जो टिकट होता है वो लेटने का टिकट होता है, लेकिन आपको वहां पर फुल सीट ना दी जाएगी, आपको हाफ सीट दी जाती है। अगर कोई भी अदर पैसेंजर जिन्होंने ट्रेन को बुक कर रखा है वो कैंसिल करते हैं तो आपको फुल सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। जब चार्ट बनता है तो आपको यहां पर अपना PNR चेक करना होता है, उसमें आपकी जब टिकट कंफर्म हो जाती है आपको बताया जाता है। और उसके साथ में आप यहां पर देखेंगे 27, 28, 29 यहां पर जो ट्रेन है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है अवेलेबल, और आपको यहां पर जितनी भी सीटें अवेलेबल हैं आपको दिखाया गया है। तो यहां पर नीचे की डेट्स में अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको तुरंत ही कंफर्म टिकट दिया जाता है। तो यहां पर आप ₹325 इस टिकट का चार्ज देखेंगे जो कि एक व्यक्ति का है। तो आप यहां पर इसका ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेयर ब्रेकअप है आपको यहां पर दिखाया जाता है, कितना उस टिकट पर GST लिया जा रहा है, कितने तत्काल बुकिंग चार्जेस या जो कोई भी चार्जेस लगाए गए हैं आप यहां पर देख सकते हैं। तो हम यहां पर बैक चले आते हैं और तो यहां पर टिकट को बुक करने के लिए रेड कलर का आपको ऑप्शन दिया गया लॉगिन एंड बुक नाउ, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप टिकट को बुक करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इस पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर अपनी user ID और पासवर्ड को फिल करना है। user ID पासवर्ड अगर आपके पास में नहीं है तो आप एक नया user ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप IRCTC के पोर्टल पे टिकट को बुक कर सकते हैं। नया ID क्रिएट करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको email ID और यहाँ पर आपको एक यूनिक यूज़र नेम क्रिएट करना है, और साथ ही में जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं जो कि आपको रिमेम्बर रखना है दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर user ID को फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि user ID आपका यूनिक एक क्रिएट करना होगा। user ID अगर आपको यहाँ पर रेड कलर का मैसेज आता है तो आपकी user ID मौजूद नहीं है, आपको एक नया user ID क्रिएट करना होगा। इसको फिल करने के लिए आप मिक्स करके नंबर और नेम को एक user ID तैयार कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है। नीचे आकर के यहाँ पर एक फेवरेटी कोई भी क्वेश्चन आपको पिक करना है। अगर आप इनकेस कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे के दो ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप इनमें अगर डिटेल को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इनको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको दिए गए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंट एड्रेस टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट, एरिया, साथ ही में अपना सिटी, पिन कोड को सभी डिटेल को फिल कर लेना है। और यहाँ पर जो आपने एड्रेस को फिल किया है वह आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को एक बार फिर से टाइप करने के बाद में आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर user ID क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ पर मैसेज मिल चुका है। आपका जो user ID है आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आपको इसको नोट कर लेना है और आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर user ID और पासवर्ड को फिल करने के बाद में यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो कर रहा है उसको सेम फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपके email ID साथ ही मोबाइल फ़ोन पर एक OTP को भेजा गया होगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर email ID का OTP फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूज़र वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन में दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको एक पिन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप अपने मर्जी का कोई भी पिन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पिन फिल करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ट्रेन को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर स्लीपर क्लास को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको डेट्स को टिक कर लेना है। इसके बाद में बुक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, आपको इसको रीड कर लेना है। इसके बाद में आपको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
इतना करते ही आप यहाँ पर पेमेंट विंडो पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मेंबर को जोड़ना है, जितने भी लोग साथ में जर्नी करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी लोग सफ़र करने वाले हैं उनका नेम आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर उनकी एज आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस के ऑप्शन में अगर बर्थ को लोअर अपर मिडिल कोई भी बर्थ अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लोअर बर्थ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पैसेंजर हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरीके से और भी कोई फैमिली मेम्बर हैं जो साथ में सफ़र कर रहे हैं उनकी डिटेल को आपको ऐड कर लेना है और फिर से आपको बर्थ प्रेफरेंस इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 2 पैसेंजर यहाँ पर हमने ऐड कर लिए हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर पैसेंजर का जो एड्रेस है टाइप कर देना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पेमेंट विंडो मिल जाती है और रिव्यू बुकिंग जर्नी डिटेल आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड शो कर रहा है इसमें आपको रीड कर लेना, सेम आपको कैप्चर कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपको यहाँ पर कैप्चर पढ़ने में ना आए तो आप यहाँ पर नई इमेज ले सकते हैं या फिर आप इसको ऑडियो से स्पीक करके उसको भी सुन सकते हैं। यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करने के बाद में प्रोसीड एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अलर्ट का एक पेज आता है, इसको रीड कर लेना है और यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको वॉलेट या फिर मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है तो आप जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करने वाले हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोन पे, गूगल पे, इस तरीके की भी एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जिस भी पेमेंट मेथड के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको ओटीपी को फिल करने के बाद में आपको सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपकी जो ट्रांजेक्शन आईडी है आपको यहाँ पर मिल जाती है और आपकी जो ट्रेन है बुक हो चुकी है उसका पीएनआर नंबर भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। आपका जो टिकट है वो किस बोगी में बुक हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे S1 में और साथ ही में जो सीट नंबर है 48 आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर जो साइड अपर की सीट है आपको यहाँ पर यह भी डिटेल दिखाई गई है और नीचे आपको जो QR कोड दिया गया है इसके माध्यम से आप अपने टिकट को वेरीफाई भी करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेव टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और या आपका जो टिकट है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका चार्ट होता है उस पर ऑटोमेटिक ही आपका नाम आ जाता है और इसके अलावा आपको SMS के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसके माध्यम से भी आप चाहें तो वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे टिकट को बुक कर सकते हैं और कभी भी अगर आपको तत्काल टिकट को बुक करना हो तो प्लान माई जर्नी के ऑप्शन में आ जाएं, सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका कोटा का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखेंगे तत्काल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर तत्काल के ऑप्शन पे क्लिक करके तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप तत्काल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसके माध्यम से ट्रेन को बुक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, साथ ही में आपके मन में कोई भी सवाल है या किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।